वीरभान जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। भाजी जी नमस्कार सर। हाँ जी, मेरी मिसेज की एज 50 वर्ष है जी और इनको नसों में पेन रहती है ज़्यादातर और सिर में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ और एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। एक्सरसाइज ये है कि ऐसा सीधा बैठे मेरी तरह ऐसे, और ये कान अपने खबे से यानी मोंढे से मिलाना है। ये एक्सरसाइज दिन में 3 मिनट करनी है। और एक ये देखिए, ये थोड़ी यहाँ तक आ जाती है, ये देखिए, ये 3 मिनट रोजाना करें। इससे आपके सर का प्रॉब्लम, दर्द का प्रॉब्लम, नसों का प्रॉब्लम सर की जा सकता है। और एक आता है गौनसिया, आधा ग्राम नाश्ते के बाद पानी या दूध से दें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। इसे आप तकरीबन 3-4 महीने इस्तेमाल करें। और देखिए, मैं अनुरोध इसलिए करता हूँ कि आपको फ़ायदा नज़र आ जाए कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें और ज़्यादा मेहनत ना करने दें। जैसे झाड़ू पोंछा जब तक इलाज चले जब तक ना करने दें, किचन में खड़े होकर आप काम कर सकते हैं, तब आपकी पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। अमृतसर से स्वागत है आपका पुष्पा जी। नमस्कार मैम, आपके नमस्कार मैम। इंसान से बात करूं। पुष्पा जी स्वागत है आपका। नमस्कार इंसान, मेरे ना रीढ़ की हड्डी में मंकों की प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ होती है। जी, कोई नुस्खा लिया आपने मेरा? और कितनी उम्र है और कब से तकलीफ है? तकलीफ तो वैसे ना 2 साल हो गए, मैंने गिट्टी की पैर फिसल गया था, तो ठीक है ठीक है। फ्रैक्चर भी हो गया था, चूल्हे में से मनके भी दबे गए थे। फिक्र ना करें और मेरी बात समझ लें। देखिए, एक तो ऐसा कुर्सी वाला वेस्टर्न टॉयलेट आपके लिए ज़रूर चाहिए, नहीं है तो लगवा लें। वैसे आपकी बातचीत से लगता है कि आपके घर में एक से ज़्यादा वेस्टर्न टॉयलेट होंगे। आपको अपनी ज़रूरत उसी पे पूरी करनी है। इसमें भी बहुत आराम होता है। और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, इसमें बहुत मेहनत लगती है। जब तक इलाज चले बस आप चलें फिरें, अपनी ज़रूरत पूरी करें, खड़े होकर खाना बना सकती हैं। झाड़ू पोछा या मेहनत का काम कुछ ना करें, ये बातें ज़रूरी हैं आपके लिए। और ये आप देखते हैं, आपके किचन में धनिया होता है, आधा चम्मच धनिया और आधा ग्राम गौंद स्याह, गौंद कहते हैं गम को, स्याह माने काला, गौंद स्याह असली ले लें, आधा ग्राम बस, और आधा चम्मच धनिया के पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते और रात के खाने के बाद पानी या दूध से आप ले लिया करें। ये अगर 100 ग्राम भी असली गौंद स्याह मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।